हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हील पेन के बारे में, एड़ी के दर्द के कारण जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किन वजह से आपको एड़ी में दर्द आ सकता है, किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है, क्या सिम्टम्स होते हैं इस प्रॉब्लम के, और एज अ डॉक्टर हम लोगों का इसमें क्या रोल रहता है, क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग एड़ी के दर्द के बारे में बात करते हैं, एड़ी के अंदर दर्द आने के दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, वो होता है प्लांटर फेशियाइटिस या कैल्केनियल स्पर। ये जो दो टर्म्स हैं, ये काफ़ी बार आप लोग भी अपने डॉक्टर्स के मुंह से सुन चुके होंगे, आपके एक्सरेज के अंदर ये वाली फाइंडिंग्स कभी कभी रिपोर्ट की जाती हैं। तो ये दो टर्म्स में ही बीमारी छुपी है कि क्यों इस एड़ी में दर्द होता है। हील पेन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है प्लांटर फेशियाइटिस। प्लांटर फेशिया क्या होता है? ये एक तरह का बैंड है जो आपकी एड़ी को आपकी टोज के साथ जोड़ता है। ये एक फाइब्रस बैंड होता है, एक तरह की परत है। ये आपकी आर्च को मेंटेन करता है। ये आपकी हील से टोज की तरफ जुड़ता है और आपकी आर्च को इस तरह से जो हमारी जो थोड़ा सा कर्वेचर होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब कोई भी पेशेंट अगर इस तरह के काम बहुत ज़्यादा करता है, जिसके अंदर उसको ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है, ज़्यादा चलने फिरने वाला काम है या ज़्यादा एग्जर्शन करने वाला काम है, तो सारा का सारा प्रेशर उस पेशेंट का अपनी हील के ऊपर आता है, अपने प्लांटर फेशिया के ऊपर आता है। स्टार्टिंग में यही प्लांटर फेशिया में इरिटेशन शुरू हो जाती है, इरिटेट होगा, उसके बाद वो सूजेगा, यानी कि इन्फ्लेमेशन आ गई, और अगर वो इन्फ्लेमेशन ढंग से सबसाइड नहीं होती, एग्जर्शन बनी रहती है, तो इसके अंदर कभी कभी माइक्रो या मैक्रो टेयर्स भी होने लग जाते हैं, जिसको कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस हो गया है, सूजन आ गई है, अंदर माइक्रो टेयर्स हो गए हैं, और वो पेशेंट को दर्द करना शुरू कर देते हैं और उस दर्द को हम हील पेन की तरह से महसूस करते हैं। एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं कैल्केनियल स्पर। अब काफ़ी बार क्या होता है कि कैल्केनियल स्पर एक तरह की कैल्शियम डिपोजिशन है, हील के जस्ट नीचे हो जाती है, कभी कभी वहाँ पर बोनी ओवरग्रोथ हो जाती है। ये जो करेक्टरिस्टिकली देखा जाता है, ये वहीं पर होता है जहाँ पर प्लांटर फेशिया हील के पास अटैच होता है। कैल्केनियल स्पर की फाइंडिंग ज़रूरी नहीं कि दर्द करे, क्योंकि अगर आप 100 लोगों में से 10% लोगों में देखें तो ये कैल्केनियल स्पर इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों में ये पेन करता है उन लोगों में प्लांटर फेशियाइटिस और कैल्केनियल स्पर साथ में कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं और ये चीज़ भी हील पेन का कारण बनती है। तो किन लोगों में ये हील पेन ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है? देखिए, जो भी लोग ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, सारा का सारा प्रेशर आपकी हील पे, आपके प्लांटर फेशिया पे आ रहा है, उन लोगों में हील पेन ज़्यादा देखा जाता है। जो लोगों को फ्लैट फुट है, यानी कि जो आपकी आर्च है वो ढंग से मेंटेन नहीं है, फ्लैट है, उनमें हील पेन ज़्यादा होगा। जिन लोगों की ओवर एग्जैजरेटेड आर्च है, यानी कि ये प्लांटर फेशिया काफ़ी ज़्यादा टाइट है, उनके अंदर भी हील पेन आ सकता है। जो लोग बहुत ही ज़्यादा टाइट शूज़ पहनते हैं या अनकंफर्टेबल शूज़ पहनते हैं, हील्स पहनते हैं, स्पेशली लेडीज़ के अंदर अगर हील ज़्यादा पहनते हैं या बेलीज़ हैं जो बहुत टाइट हैं, अगेन वो प्लांटर फेशिया को स्ट्रेच करते हैं और पेशेंट को पेन्स आ सकते हैं। टाइट शूज़ पहनना या फॉल्टी शूज़ पहनना, जो अंदर के सोल्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, हील पैड्स पे कुशनिंग नहीं है, तो ये सारा का सारा प्रेशर डालते हैं आपके हील पे। हील के जस्ट नीचे जो हील की जो एरिया होता है, वहाँ पे फैट पैड होता है, अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड सर्फेसिस यूज़ करेंगे, जैसे कुछ लोग रनिंग जॉगिंग करते वक्त हार्ड सर्फेसिस पे ढंग के कुशनिंग के बिना सपोर्ट के भागते हैं, तो उस पे आपका जो फैट पैड है हील के नीचे, वो भी डैमेज हो सकता है, नेक्रोस कर सकता है और लोगों को हील पेन शुरू हो जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ ऑलवेज टोल्ड कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए और ज़्यादा हार्ड सर्फेसिस पे ज़्यादा ओवर एग्रेसिव रनिंग करनी नहीं चाहिए। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। प्लांटर फेशियाइटिस के अलावा भी काफ़ी कारण हो सकते हैं जो हील पेन कर सकते हैं, जैसे कोई सिस्ट का बन जाना, कोई ट्यूमर का बन जाना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में भी हील पेन्स आ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटे तौर पे अगर हम अपने लाइफस्टाइल की बात करें, अगर हम 90% लोगों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये प्लांटर फेशियाइटिस और हील स्पर की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्या सिम्टम्स होते हैं इस हील पेन के या एड़ी के दर्द आने के? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपने डॉक्टर से मिलने की
ज़रूरत है। देखिए करेक्टरिस्टिकली ये जो पेन होता है ना, ये जो हील है, जो एड़ी है, उसके जस्ट अराउंड और उसके जस्ट आगे होगा जहाँ पे प्लांटर फेशिया की अटैचमेंट होती है। तो पेशेंट इस एरिया में पेन फील करते हैं और करेक्टरिस्टिकली ये पेन होता है मैक्सिमम मॉर्निंग आवर्स में। तो जैसे आप सुबह उठते हैं और आप अपना पहला पैर ज़मीन पर रखेंगे, पेशेंट को पेन होगा। जैसे जैसे आप चलना शुरू कर देते हैं तो वो पेन काफ़ी सेटल भी हो जाता है। सिमिलरली अगर आप ड्राइव पे गए हैं, डेढ़ दो घंटे की ड्राइव हो गई, आधे पौना एक घंटे की ड्राइव हो गई, और उसके बाद वंस यू गेट डाउन फ्रॉम योर कार, द मोमेंट आप पैर नीचे रखेंगे, आपको एड़ी में अगर दर्द होता है तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपके पैर की जो प्लांटर फेशिया है, जो आपके पैर की जो हील की जो परत है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सूजन अकड़न चल रही है। जैसे जैसे दिन हफ्ते बीतते हैं, अगर ये चीज़ सेटल नहीं होती तो ये पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कभी कभी लोगों को उस एरिया में थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी दिखने लग जाती है, वो भी यही सिग्निफाई करता है कि अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है, सूजन चल रही है, और इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। एज अ डॉक्टर जब आप लोग हमें इस परेशानी के लिए मिलते हैं तो हमारा इसमें क्या रोल होता है? देखिए मोटे मोटे तौर पर ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकली जो चेकअप किया जाता है उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आपके जो हील पेन का जो कारण है वो क्या है, क्यों हो रहा है ये पेन। एंड एज अ हेल्प हम लोग इसमें कभी कभी आपके एक्सरेस करवा के देखेंगे टू रूल आउट कि कोई वहाँ पे हील के अंदर कोई सिस्ट या ट्यूमर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, अगर कोई इंजरी की हिस्ट्री है या वहाँ पे स्पर कितना बढ़ चुका है। तो इसके लिए एक्सरेस करवाए जाते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी चेक की जाती है, यूरिक एसिड कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज, रेयर है लेकिन हो सकता है। एंड इन केसेस जो बिल्कुल रेजिस्टेंट है, जिनके अंदर कोई ट्रीटमेंट सेटल नहीं कर पा रहा है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो रही है, तो उन केसेस के अंदर हम लोग पैर के MRI एंकल वगैरह करा के, MRI हील करा के उसमें ये चेक कर सकते हैं कि वहाँ के लिगामेंट्स और मसल्स का क्या स्टेटस है, कितना डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से वो परेशानी हील नहीं कर रही है। एज अ ट्रीटमेंट व्हाट डू वी नीड टू डू इसके परेशानी, अगर ये परेशानी है तो इसमें करा क्या जाता है? देखिए इनिशियल फेज में अगर शुरुआती स्टेज है, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज वर्क ब्यूटीफुली। तो अगर आपकी ये दिक्कत जस्ट शुरुआत हो रखी होती है तो एज अ डॉक्टर हम लोग इसमें आपको काफ़ी बार शू मॉडिफिकेशंस के बारे में बोलेंगे, हील सपोर्ट दे दी जाएगी आपको, हील सिलिकॉन के हील पैड्स आते हैं या प्लांटर फेशिया के इंसोल्स आते हैं, जो सिलिकॉन इंसोल्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इनिशियल फेजेस में। और अगर परेशानी ज़्यादा नहीं है दे विल ऑलवेज हेल्प यू इन रिलीविंग योर सिम्टम्स। परेशानी तब होती है जब ये दिक्कत बढ़ना शुरू होती है। इन दोस केसेस हम लोग इसमें काफ़ी बार मेडिकेशंस का यूज़ भी करते हैं। अगर पेन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो NSAIDs यूज़ किए जाते हैं, सिरेशियोपेप्टिडेज यूज़ किए जाते हैं ताकि आपकी सूजन उतर जाए वहाँ पे। एंड अगर कोई डेफिशिएंसीज चल रही हैं, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो उसको साथ में सेटल किया जाता है। फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ अवेलेबल होती हैं, अल्ट्रासोनिक मसाज, लेज़र, एक्स्ट्राकॉर्पोरियल शॉकवेव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़ का भी अपना एक रोल है। अगर पेशेंट कंजर्वेटिवली मैनेज नहीं हो पाता है तो इसमें कुछ तरह के इंजेक्शन्स अवेलेबल होते हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन्स हैं, PRP इंजेक्शन्स हैं, जो उस प्रॉब्लम को काफ़ी बार रिलीव कर देते हैं। इन केसेस जहां पे 4-6 महीने की कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या इंजेक्शन्स की मैनेजमेंट पेशेंट्स को फ़र्क नहीं दिला पाती है, देन वी आर लेफ्ट विद सर्जिकल ऑप्शन, जिसके अंदर हम लोग काफ़ी बार इस प्लांटर फेशिया को रिसेस कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं, जो पार्शल रिलीज़ होता है, पूरा रिलीज़ नहीं किया जाता। इट कैन बी डन ओपन, थोड़ा सा छोटा सा स्टैब इंसिजन के सहारे इस प्लांटर फेशिया को रिलीज कर देते हैं। एंड इट कैन बी डन आर्थ्रोस्कोपिकली ऑल्सो, यानी कि एंडोस्कोपिकली, थोड़ा एंडोस्कोप की हेल्प से देख के माइनर स्टैब वाउंड से की होल सर्जरी की जाती है और वहां से उस प्लांटर फेशिया को रिलीज कर देते हैं। प्रेफरेबली ओपन सर्जरीज आर मोर कॉमनली डन बिकॉज दे आर लेस टाइम कंज्यूमिंग और कहीं ना कहीं नर्व प्रॉब्लम्स एंडोस्कोपिक सर्जरीज के साथ ज्यादा देखी जाती हैं। तो दिस वॉज अ ब्रीफ ओवरव्यू जिसके अंदर हम लोगों ने आज आपके साथ थोड़ा सा ये डिस्कस किया कि अगर आपको हील पेन हो रहा है तो एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम लोग इस तरह के केसेस में कैसे प्लानिंग करते हैं आप लोगों के लिए कि इसमें क्या करने की जरूरत है। प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन दिस कंडीशन एग्रीवेट्स और वहां पे काफी बार कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज हमने टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया। सो आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।